तो पूर्ववर्ती सरकार ये मांग कर रही थी कि ERCP को राष्ट्रीय परियोजना घोषित किया जाए, वो संभव इसलिए नहीं था कि CWC की गाइडलाइन, प्लानिंग कमीशन के निर्देश उस समय के, उसके अनुसार 75% वाटर डिपेंडेबिलिटी पर जो प्रोजेक्ट बनता है उसी को राष्ट्रीय परियोजना घोषित किया जाता है। और मैंने पत्र बताया था, अशोक गहलोत जी ने मुख्यमंत्री रहते हुए एक पत्र कमलनाथ जी को लिखा था कि हमारे प्रोजेक्ट को सहमति दी जाए, तो कमलनाथ जी ने मना कर दिया और उन्होंने कहा कि 75% वाटर डिपेंडेबिलिटी पे ही प्रोजेक्ट भेजें, तभी हम सहमति देंगे। अब आपको पता है कि अटल जी के समय 16 परियोजना ऐसी चिन्हित की थी जिसमें केन बेतवा भी थी। केन बेतवा को मोदी सरकार ने स्वीकृत कर दिया और उसी तर्ज पर पार्वती कालीसिल चंबल लिंक परियोजना जो चिन्हित की थी अटल जी के समय 2004 में, उसको ERCP के साथ जोड़ते हुए एक योजना पर MOU हो गया मध्य प्रदेश और राजस्थान के बीच, जिसमें 90% पैसा केंद्र देगा और 10% राशि राज्य को वहन करनी पड़ेगी। इसमें 2,80,000 हेक्टेयर जमीन सिंचित होगी, 40% आबादी को पानी मिलेगा, सिंचाई भी होगी, पानी भी मिलेगा पीने का और औद्योगिक उपयोग के लिए भी पानी का रखा गया है। प्रतिपक्ष के लोगों का ये कहना है कि पानी घटा दिया गया, ऐसी बात नहीं है। मैंने ब्रेकअप बता दिया कि पीने के लिए कितना रखा गया, इंडस्ट्री के लिए कितना रखा गया और सिंचाई के लिए कितना प्रावधान किया गया है। इसलिए बेवजह कांग्रेस वाले, प्रतिपक्ष वाले आधारहीन तर्क दे रहे हैं और सदन को नहीं चलने दे रहा। उनको कंधे से कंधा मिला के हमारा साथ चलना चाहिए सरकार के साथ। भजन लाल सरकार ने ये बहुत अच्छा काम, एक स्वर्णिम योजना, एक किसानों को सरसब्ज करने वाली योजना, और उस हिस्से को जब पानी की कमी आ गई है वो माननीय नरेंद्र मोदी जी से करवाई है। मैं नरेंद्र मोदी जी का और हमारे मुख्यमंत्री का प्लस मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री का, केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह जी का बहुत बहुत आभार प्रदर्शन करना चाहता हूं कि एक जीवन दायनी योजना 13 जनों को स्वीकृत कर दी ILR और ERCP को मिलाकर। उसी जो मैंने डिमांड बताई है वो डिमांड करीबन 3390 MCM बनती है, उस डिमांड के अनुरूप ही DPR बनेगी, DPR रिवाइज होगी। क्योंकि अब मामला पहले सिंपल ERCP का था, अब उसमें PKC जुड़ गया, तो मध्य प्रदेश को भी 13 जिलों में पानी जाएगा और हमारे राजस्थान को भी 13 जिलों में पानी मिलेगा। जब ये मानिए करीबन 37,000 करोड़ की योजना थी, ये बढ़कर 50,000 करोड़ तक पहुंच सकती है। उसमें 90% केंद्र देगा और मात्र 10% हमको देना होगा, उनमें 13 जिलों का बहुत भला होगा। उसके बावजूद भी हंगामा मचाकर वो राजस्थान की जनता को दिग्भ्रमित करना चाहते हैं, जो राजस्थान की जनता इनको जवाब दे चुकी है। और कांग्रेस बैकफुट पर है, वो इसलिए है कि पिछले 5 सालों में जब उनकी सरकार थी तो ERCP चिल्लाते रहे, एक कदम आगे नहीं बढ़े। भारत सरकार ने बार बार राजस्थान सरकार को कहा कि आप जो केंद्रीय जल आयोग के नियम बने हुए हैं उनके तहत आप आइए, लेकिन राजस्थान की सरकार ने एक कदम आगे नहीं बढ़ाया, अपने अधिकारी तक नहीं भेजे। जल संसाधन मंत्री भारत सरकार के जयपुर आए, मुख्यमंत्री स्तर की बैठक रखी, उस बैठक में भी उस समय के मुख्यमंत्री माननीय अशोक गहलोत जी नहीं पहुँचे। तो उससे साफ जाहिर होता है कि उन लोगों को कोई दिलचस्पी नहीं थी कि ERCP लागू हो और राजस्थान के किसानों को लाभ मिले। लेकिन माननीय मोदी जी जब विधानसभा के चुनाव में यहाँ आए थे तो उन्होंने, मोदी जी ने कहा कि मेरी गारंटी है जो राजस्थान की जनता की अपेक्षाएं हैं उन पर खरा उतरेंगे और उनके अनुरूप, उनके अनुकूल नियम और कानून बना करके हम काम करेंगे। मैं धन्यवाद देना चाहूँगा प्रदेश के मुख्यमंत्री आदरणीय भजन लाल शर्मा जी को कि उन्होंने शपथ लेने के 1.5 महीने के अंदर ERCP पर MOU किया और
मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री और राजस्थान के मुख्यमंत्री दोनों साथ बैठे, केंद्रीय जल संसाधन मंत्री आदरणीय शेखावत जी बैठे, और उन्होंने MOU करके एक तरह से राजस्थान की जनता को ये सौगात देने का काम किया है कि पूर्वी राजस्थान नहर परियोजना है उसको समयबद्ध तरीके से हम पूरा करेंगे और किसानों को सिंचाई और पेयजल की व्यवस्था सुनिश्चित करेंगे। धन्यवाद देना चाहिए था कांग्रेस के साथियों को, लेकिन कुंठा है, वो कुंठित हैं, बुरी तरह से परेशान हैं कि उनकी सरकार में तो ये हो नहीं पाया। भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने तुरंत आते ही कैसे कर दिया, कल बिना वजह वेल में आ गए थे, कोई कारण नहीं था, और वो कहते थे जवाब दो जवाब दो जवाब दो, बच्चों की तरह से, जब बच्चे मांगते हैं टॉफ़ी दो टॉफ़ी दो। जवाब देने के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी तैयार, आज उस पर जवाब भी देंगे, और राजस्थान के भागीरथ के रूप में भजनलाल शर्मा जी, जिस तरह से जनता उनका स्वागत कर रही है, कल एयरपोर्ट पर हुआ, यहाँ विधानसभा में घुसते ही हुआ, विधानसभा के अंदर जब मेज़ें थपथपाई गई तो सहम गए थे कांग्रेस के लोग कि हाँ हमसे चूक हुई, हमसे गलती हुई, हमसे पाप हुआ कि पूर्व राजस्थान के प्यासे लोगों को पानी की व्यवस्था हम नहीं कर पाए थे, और गिरिराज गोवर्धन जी के भक्त ने 1.5 महीने के अंदर MOU करके सौगात देने का काम कर दिया। मैं ये मानता हूँ, मानता नहीं हूँ, ये सरकार के समय समय पर निर्देश भी जारी हुए हैं। हम भी जब पढ़ते थे तो स्कूल की ड्रेस में जाया करते थे, स्कूल में ड्रेस कोड है जो शिक्षा विभाग ने निर्धारित किया हुआ है, उसी ड्रेस कोड में छात्रों को आने की अनुमति भी होनी चाहिए, क्योंकि सरकार स्वयं ड्रेस बांटती है गरीब लोगों को, स्वयंसेवी संस्थाएं भी देती हैं जो हमारे लोग संपन्न नहीं हैं उनको, और मैं ये कहना चाहूँगा कि ड्रेस कोड लागू कर देना चाहिए, किसी भी प्रकार के अन्यत्र तरीके के ऊट पटांग ड्रेस में छात्र नहीं आए, क्योंकि वो हमारा शिक्षा का मंदिर है, और शिक्षा के मंदिर में ड्रेस कोड पहन करके ही छात्रों को आए तो अनुशासन सीखेंगे, उनकी मानसिक दशा स्थिति ठीक रहेगी, गुरुजन वृंदों का आदर करेंगे और अपने सपनों को पूरा करने का काम करेंगे। मैं कह रहा हूँ ड्रेस कोड लागू होना चाहिए। कल को कोई थानेदार तहमत बांध करके पब्लिक के बीच में चला जाएगा तो आप ये कहेंगे कि तहमत में क्या बुराई है, थानेदार तो काम ही कर रहा है। गलत, जो ड्रेस कोड है उसी में छात्रों को आने के लिए अनुमति करना चाहिए, ऐसा मेरा सुझाव भी है, और सरकार ने समय समय पर शिक्षा विभाग ने निर्देश भी जारी किए हुए हैं। मध्य प्रदेश और संघ की सरकार और राजस्थान की सरकार के बीच में जो MOU हुआ है, ये राजस्थान की जनता के साथ एक तरीके से बहुत बड़ा अन्याय है, और अन्याय इसलिए है कि 1999 में अशोक गहलोत और दिग्विजय सिंह जी ने जो समझौता किया था, और अगस्त 2005 में वसुंधरा राजे जी ने उन मिनट्स को सेकंड किया था, उनके आधार पर ईस्टर्न राजस्थान केनाल प्रोजेक्ट बना, और उसमें 3,915 मिलियन क्यूबिक मीटर मीटर पानी में से 3,510 मिलियन क्यूबिक मीटर पानी राजस्थान का प्रोजेक्ट ERCP के रूप में गया था। और अब जो समझौता हुआ है उसमें वो ये कह रहे हैं कि भारत सरकार, मध्य प्रदेश सरकार, राजस्थान सरकार और नेशनल जल बोर्ड, ये तीन चारों के बीच में ये DPR तैयार होगी। कब तो आपकी DPR तैयार होगी, कब पानी मिलेगा? माननीय किरोड़ी लाल जी ने मंत्री के रूप में आज जो जवाब दिया है, ये तो PHED की इरीगेशन मांग बताई है, अभी जब DPR ही नहीं बनी तो आप कैसे कह सकते हो कि कितना पानी राजस्थान को मिलेगा या कितना? हमारी तो एक ही बात है कि क्वांटम ऑफ वाटर कितना ये बता दे सरकार, बस हम मान जाएंगे सब कुछ। कितनी मात्रा में राजस्थान को पानी मिल रहा है अगर ये राजस्थान सरकार बता दे तो मैं कह रहा हूँ कि वही राजस्थान का हित है। निश्चित रूप से जो कल माननीय केंद्रीय जल शक्ति मंत्री जी ने भास्कर को इंटरव्यू देते हुए कहा था कि राजस्थान में PKC में 2500 मिलियन क्यूबिक मीटर पानी मिलेगा, जो कि हमारे हिस्से का 1400 मिलियन क्यूबिक मीटर पानी कम हो जाएगा, तो मैं कह रहा हूँ कि सिंचाई कहाँ से होगी, क्योंकि ड्रिंकिंग वाटर में 1723 MCM पानी चाहिए आपको, 1500 MCM इरीगेशन के लिए चाहिए और 286 इंडस्ट्री के लिए चाहिए, तो आज आपका पानी जब 1400 मिलियन क्यूबिक मीटर कम हो जाए तो सिंचाई कहाँ से करोगे? इसलिए ये राजस्थान की जनता के साथ अन्याय है, अत्याचार है, इसलिए हम इसका विरोध कर रहे हैं, और हमारी मांग है कि राजस्थान को बताए कि कितना क्वांटम पानी का समझौता ये करके आए हैं। और आज मैं फिर कहना चाहता हूँ कि वाह वाह लूटने से नहीं, अभी भी राजस्थान 20 साल पीछे चल रहा है,
मध्य प्रदेश ने अभी 3 अपने बांध वहाँ बना लिए, जिसमें पार्वती पर पाटनपुर, नेवज पर मोहनपुर और काली सिंध पर कुंडलिया, और काली सिंध का कुंडलिया वाला 582 MCM का हो गया और नेवज पर मोहनपुरा वाला 616, यानी लगभग 1200 MCM का तो पानी वो यूज़ कर रहे हैं। और हमारे यहाँ पर अभी तक इंफ्रास्ट्रक्चर ही तैयार नहीं हुआ। 2 इंफ्रास्ट्रक्चर नोनेरा का और इसरदा का चालू था, वो दोनों का काम बंद पड़ा है। तो इसलिए ये राजस्थान के साथ अन्याय है और हम ये कह रहे हैं कि चाहे सड़कों पर लड़ना पड़े, चाहे कुछ भी करना पड़े, लेकिन ये राजस्थान की जनता के साथ अन्याय नहीं होने देंगे। इस लड़ाई को ज़मीन पर भी लड़ेंगे, हाउस में भी लड़ेंगे और ये जनता के अहित नहीं होने देंगे। आपसे एक निवेदन कर रहा हूँ कि जो MOU है उसमें कुछ भी स्पष्ट नहीं है कि भाई हम मतलब स्कोप क्या है, आपका क्वांटम क्या है, मतलब राजस्थान का क्या हिस्सा है, मध्य प्रदेश का क्या है। खुद मंत्री जी कह रहे हैं ये तो दिग्विजय सिंह जी के टाइम, तो हम भी कह रहे हैं कि 1999 में दिग्विजय सिंह और अशोक गहलोत जी ने समझौता किया, उन्होंने अपना इंफ्रास्ट्रक्चर, ये भी तो हम भी तो कह रहे हैं, मध्य प्रदेश भी कह रहा है उसने अपना हिस्सा ले लिया और बचे हुए में से कह रहा आधा आधा लेंगे, तो ये राजस्थान के साथ अन्याय है। और ये समझौता जो किया ना डबल इंजन सरकार के नाम से, ये बिल्कुल गलत है। और मैं केंद्रीय मंत्री जी से भी मांग करूंगा इसकी स्टडी करें, क्योंकि उनके अफसर उनको गुमराह कर रहे हैं। और माननीय भजनलाल जी को तो गुमराह करके ले गए दिल्ली, तो भजनलाल जी बहुत अच्छे इंसान हैं, लेकिन अभी उनको अध्ययन करना बाकी है। और मंत्री जी को तो नोटिस में ही नहीं है, जो जल संसाधन मंत्री हैं उनकी जगह तो दूसरे मंत्री जवाब दे रहे हैं। तो इस तरीके से क्या उनके मंत्री आज सक्षम नहीं है जो इस तरीके के जवाब दिया। इसलिए अलोकेशन क्या है और क्वांटम क्या है, यही महत्वपूर्ण मुद्दा है। सर्वकारें भी आएंगी जाएंगी, लेकिन जनता के हित सर्वोपरि हैं। मैं कह रहा हूँ माननीय मंत्रीगण से, माननीय भजनलाल जी से, कि आप राजस्थान, आप खुद ईस्टर्न राजस्थान से आते हैं, विधानसभा अध्यक्ष ईस्टर्न राजस्थान से आते हैं, इसके मंत्री पुष्कर से मतलब जो आते हैं, जो भी इस 83 विधानसभाओं में है, 83 विधानसभा का लगभग 4.5 करोड़ पॉपुलेशन है, जिसमें 50 विधायक तो आज BJP के हैं, 30 कांग्रेस के हैं, 3 अन्य हैं। तो इनको पहले, मैंने ये भी मांग करी है कि पहले इनकी एक तरीके से तो क्लास लगा करके इनको तो बता दो कि भाई ये ईस्टर्न राजस्थान केनाल प्रोजेक्ट क्या है। कोई डिपेंडेबिलिटी नहीं समझ रहा है, कोई सक्सेस रेट नहीं समझ रहा है। डिपेंडेबिलिटी मतलब लेस डिपेंडेबिलिटी मोर वाटर, मोर डिपेंडेबिलिटी लेस वाटर, ये एक फॉर्मूला है जिसको ये समझ नहीं रहे। सक्सेस रेट की बात करें, सक्सेस रेट 75% होती है। अगर इरीगेशन का प्रोजेक्ट है तो उसकी 50% होगी, अगर PSET का या और कोई है तो उसकी 75% होगी सक्सेस रेट कर। और जो भारत सरकार की गाइडलाइन है 2010 की, उसके अनुसार ये ईस्टर्न राजस्थान केनाल प्रोजेक्ट बना है। और NPP की जो माननीय केवड़लाल जी बात कर रहे हैं, जिसका PKC की बात करें, ये PKC माननीय वाजपेयी जी के टाइम में 16 प्रोजेक्ट इस तरीके थे IRR के, मतलब जो इंटरलिंकिंग रिवर में, उसमें से ये पार्वती, काली सिंध और चंबल का एक प्रोजेक्ट था, तो 2004 का उठा के ले आए और जनता को गुमराह कर रहे हैं। इनको यही पता नहीं है कि ये वाजपेयी जी आज इस दुनिया में नहीं रहे, उस सरकार के कोई मंत्री नहीं रहे, उसके बाद पिछले 10 साल से माननीय मोदी जी हैं, 10 साल तक केंद्र में UPA की सरकार रही, 20 साल तो यही निकल गए, और 20 साल बाद में हम उस चीज़ को लेकर के आ रहे हैं जिसका कोई आधार नहीं है। तो मेरा ये कहना है कि एक वर्कशॉप लगाए और किसी को भी इस पर चर्चा करनी है, मैं तैयार हूँ। मुझे कन्विंस कर दे डिपेंडेबिलिटी क्या होती है, सक्सेस रेट क्या होती है, हमारी मात्रा कितनी थी, कौन से समझौते में क्या था, क्योंकि 4000 पेज की वेबकोस, वो वेबकोस कंपनी जिसने ये DPR बनाई, आज वो पीछे हट रही है। वो हमारे श्रीराम जी बैठ रहे जो हमारे एडवाइजर थे, आज पीछे हट रहे हैं। तो फिर ये आज मंत्री हैं कल नहीं रहेंगे, आज अफसर हैं कल नहीं रहेंगे, राजस्थान यहीं रहेगा, राजस्थान की जनता यहीं रहेगी, उसके हित यहीं रहेंगे, इसलिए उनके हित में बात होनी चाहिए।